हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक बेहतरीन वीडियो में। आज की इस खास वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने डैडी मूंछ के बालों को काला कर सकते हैं जो कि सफ़ेद हो चुके हैं, और अपने डैडी मूंछ के बालों को किस तरह से आप घना बना सकते हैं। काफ़ी लोगों ने हमसे ये सवाल किया था कि सर, हमने बहुत सी चीज़ें ट्राई की तो भी हमारे डैडी मूंछ काली नहीं आ रही है, और साथ ही साथ और ना ही वो घनी हो रही है। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही कारगर नुस्खा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आप कमेंट करके खुद हमें बताएंगे कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला है। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए मैं यहाँ पर चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है टमाटर। टमाटर के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी स्किन पे ये से डर्ट पोल्यूशन को निकालता हूँ, और ये गंदगी को भी हमारी स्किन पे से निकाल देता है, जो कि ब्लॉकेज का कारण होती है हेयर ग्रोथ में। दोस्तों, इस टमाटर को हम दो भागों में काट लेंगे। इसका इस्तेमाल हमें इस तरीके से करना है, इसको दो भागों में सबसे पहले हमें काट लेना है, और इस तरह से इसका एक भाग हमें लेना है। दोस्तों, टमाटर हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, और जो हमारे ब्लॉकेज हो जाती है हेयर की ग्रोथ में, ये उस ब्लॉकेज को कम करता है। तो इस टमाटर को हाफ का टमाटर के अंदर हम इस तरह से चाकू की मदद से कट से लगाएंगे। आप चाहे तो किसी सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसके अंदर होल्स करने हैं, यानी कट्स लगाने हैं। अब हमने इसके अंदर पूरे पे कट्स लगा लिया है। अब हम इसका अंदर इस टमाटर के अंदर दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इस नारियल के तेल का। कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूँ। नारियल के तेल के अंदर विटामिन ई होता है, जो हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी स्किन पे जो हेयर की ग्रोथ होती है, ये उसके जो जड़ होती है, जड़ में जाकर उसको काला करता है, और हमारे हेयर की ग्रोथ को मोटा बनाता है, हमारे बालों को मोटा करता है। विटामिन ई जितना बालों के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारी दाढ़ी मूंछ के लिए भी होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कोकोनट ऑयल लेंगे, और इस टमाटर के अंदर इस तरीके से कोकोनट ऑयल को डाल देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरे होल्स में आपको इस ऑयल का इस्तेमाल करना है, और फिर एक उंगली की मदद से आपको इसे पूरे पे फैला लेना है। इस तरीके से देखते रहिए आप। इस तरह से करने के बाद अब आपको इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है, अपने दाढ़ी मूंछ पर वाली जगह पर आपको इस टमाटर को, इस हाफ कटे हुए टमाटर को इस तरह से रब करना है। और रब दोस्तों आपको इस तरीके से करना है कि बहुत ही ज़्यादा आपको पुश करके दबा कर इसे रब नहीं करना है, जेंटली आपको इसे धीरे धीरे और हल्के हाथों से इसे इस तरीके से रब करना है। 5 से 7 मिनट तक आपको इसे रब करते रहना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आपकी दाढ़ी मूंछ के बाल बड़े हैं, तो जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हों, पहली बार आप इसका इस्तेमाल करें, दूसरी बार इसका इस्तेमाल करें, तो आपकी हेयर की ग्रोथ बहुत ही कम होनी चाहिए। यानी अगर आपकी दाढ़ी मूंछ बड़ी है, तो पहले आप उसे कटवा लीजिए, उसके बाद इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। इससे होगा ये कि ये नुस्खा, इस नुस्खे की जो भी गुणता है, वो आपके हेयर की ग्रोथ, यानी कि दाढ़ी की ग्रोथ तक पहुँचना ज़रूरी है, जड़ों तक इसको जाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको 5 से 7 मिनट तक करना है, और आप इसका इस्तेमाल सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।